एवरी वन माई नेम इीप शिखा गोस्वामी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एक चीज़ जो आप लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है फिलहाल वो है कि मैम सी एस आई आर नेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा ठीक है नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट क्या होनी चाहिए फॉर सी एस आई आर नेट जून ट्वेंटी ठीक है तो एक तो हम इस बारे में बात करेंगे दूसरा एक एक बात है जो आपके दिमाग में काफ़ी और ज़्यादा उत्सुकता आपके लिए आपके दिमाग में है जिसको लेकर कि जो एग्ज़ामिनेशन है क्या उसके पोस्टपोन होने की कुछ भी चांसेस हैं क्या ठीक है तो मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करने वाली हूँ आज एज़ पर माई बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ओके देखिए अभी तक अगर हम अगर हम पास्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो जो ट्रेंड्स रहे हैं सी एस आई आर के उसमें दो तीन चीज़ें हम देखते हैं पहला पॉइंट आता है कि जो जी सी का नोटिफिकेशन है उसके कुछ दिनों के बाद में लगभग हम बोलते हैं दस से पंद्रह दिन के बाद में या उसके कुछ समय के बाद में सी एस आई आर का नोटिफिकेशन आ जाता है और सिमिलरली उनकी एग्ज़ाम डेट्स पहले यू जी सी का एग्जामिनेशन होता है एंड देन उसके बाद में सी एस आई आर का एग्जामिनेशन आप देख रहे होते हो सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपके सामने डिसाइफर करूँगी वो ये है कि इन जनरल सी का जो नोटिफिकेशन है अगर हम उसकी बात करते हैं तो नोटिफिकेशन डेट और एग्ज़ाम डेट के बीच में लगभग लगभग एक से दो महीने का समय तो आराम से होता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है एक महीने में भी करवाया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं डिसम्बर एग्जामिनेशन की तो आपको पता है कि एक नवंबर को नोटिफिकेशन आया था एंड ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट्थ डिसम्बर के बीच में आपका एग्जामिनेशन था मतलब लगभग लगभग यहाँ पर दो महीने का समय था और अगर हम प्रीवियस बात करें मतलब जून के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो दस मार्च को आपका नोटिफिकेशन आया था टेंथ मार्च को नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम डेट थी आपकी सिक्स टू एट जून मतलब कि मार्च अप्रैल मे तीन महीने प्लस एक वीक ठीक है या अगर हम बोल के चले तो हम दस मार्च से लेके लगभग तीन महीने का समय हम बोल के चलते हैं ठीक है लगभग तीन तीन थोड़ा सा कम अब इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक से दो से तीन महीने के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा जून में एग्जामिनेशन है तो आइडियली तो अभी तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था ठीक है बट अप्रैल में, एंड देन मिड जून मतलब तभी भी हमारे पास ढाई महीने का लगभग या दो महीने से ज़्यादा का समय रहेगा विच इज़ काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है फॉर दी एग्जामिनेशन या जो इंस्टीट्यूशन uh, है उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए दैट इज़ मोर देन सफिशेंट टाइम फॉर पूरी प्रेपरेशन वगैरह के लिए और आपको भी क्लैरिटी मिल जाती है अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या सिनेरियो है यूजीसी का तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए यस यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजीसी नेट जून के लिए अगले हफ्ते से भरें फॉर्म ठीक है तो इसमें क्या हुआ है कि जो यू के अध्यक्ष हैं मामीडाला जगदीश कुमार जी उन्होंने ये बोला है कि जून सेशन के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो अगले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है एक बार नोटिफिकेशन जारी होने पर उम्मीदवार यहाँ जाकर फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म ठीक है तो मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला आपसे कि जून में एग्जाम नहीं होगा या उसके बाद होगा या फिर नोटिफिकेशन और डिले होगा अगर वो अभी आ ही नहीं रहा होता नोटिफिकेशन या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होती तो शायद उनकी बातों में वो आपको दिख जाता तो इसका मतलब ये हुआ कि यू का नोट जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आपके सामने होगा और उसके कुछ दिनों के बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका सी का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए मतलब लेट्स अज्यूम अगर हम बात करके चल रहे हैं यहाँ पर कि मिड uh, अप्रैल तक मिड अप्रैल तक मैं एक डेट देना चाहूंगी आपको मिड अप्रैल तक हम एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट रख सक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपका सी एस आई आर का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा ठीक है सी एस आई आर का और अब की जो डेट है एग्जामिनेशन की डेफिनेटली वो जून में ही होने वाली है ऐसा नहीं है कि वो पोस्टपोन पॉर्न होकर और आगे बढ़ रहा है या कुछ ऐसा होगा देखिए इलेक्शनस जो हैं वो बाकी के एग्जामिनेशन के साथ में शायद में शायद से इन लाइक इंटरफेरेंस शो कर रहे होंगे या फिर बाकी के एग्जामिनेशन उसके साथ में क्लैश कर रहे होंगे क्लैश करने का मतलब है मैन पावर दोनों जगह पर यूटिलाइज होती है तो अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करना रहेगा बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ठीक है ऐसा सिनारियो बिल्कुल नहीं होगा और उस केस में आपका एग्जाम ऑलरेडी चार जून के बाद होना है चार जून इलेक्शन डेट है तो डेफिनेटली पोस्टपोन होने के चांसेज ना के बराबर है मेरे साइड से अगर हो जाता है तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एक कुछ दिन मिल जाएंगे पढ़ने के लिए रिविजन करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेपेरेशन हो जाएगी आपकी एंड Trust me on this, अगर आप टॉप करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में तो ये बात सोचना कि कब नोटिफिकेशन आएगा कब होगा एग्जाम ये बिल्कुल ही आ, मतलब मुझे लगता है कि इसको कोई काम नहीं है और आ, सिंपल बात है आपका एग्जामिनेशन आप क्लियर कर रहे हो आप पढ़ाई करके ठीक है ना कि नोटिफिकेशन आई अंडरस्टैंड क्यूरियोसिटी होती है बट दैट डज नॉट मीन कि हम पूरा टाइम इसी में लगे रहे तो आप फुल फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए ठीक है इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा रहा है शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ वगैरह और बहुत भी और भी बहुत कुछ कंपाइलेशन वगैरह सेल सिग्नलिंग का हो गया चाहे मोल बायो का हो गया चाहे आपको बाकी टॉपिक्स का हो गया उनको देखते रहिए पढ़ते रहिए अपनी पढ़ाई करते रहिए कोई और टॉपिक्स चाहते हैं जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे सजेशन आए हैं मैं उन पर काम ऑलरेडी कर रही हूँ मैंने शुरू कर दिया है काम करना तो आप लोग बताए जरूर हम उस पर काम करेंगे बट मेक श्योर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं एंड आर नॉट फॉलोइंग द क्राउड कि भाई क्या होगा कब होगा कैसे होगा इन सब में नहीं पड़े हो ठीक है तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अपना ख्याल रखो टेक केयर एवरी वन तो एग्जामिनेशन की डेट के बारे में हमने बात की है मतलब नोटिफिकेशन की डेट के बारे में एंड देन हमने बात कर ली है उसके बाद में कि आपका कब हो सकता है एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के चांसेस तो नहीं है तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड मेक श्योर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहीं पर मिलती हैं ठीक है तो मे सी यून द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून टेक केयर बाई